बस इतना कहकर शाह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अब आन जो सामने से आ रही थी उसके सामने भी वो एक पल भी ना रुका। आज ऐसा पहली बार हुआ था। उसके माथे पर बूसा दिए बगैर वो निकल गया। अब आन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब तो नाराजगी पक्की थी। शाह, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लाला अटक अटक कर बोल रहा था, जबकि डॉक्टर ने उसे बात करने से सख्ती से मना किया था, लेकिन वो किसी डॉक्टर की बात नहीं सुन रहा था। उसे बस शाह को सब कुछ बताना था। उसने सख्ती से शाह का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था कि वो उसे छोड़कर ना चला जाए। लाला, मैं यहीं हूँ, तुम ठीक हो जाओ, हम बात करेंगे, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम इस कंडीशन में नहीं हो। समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें बचाना ज़रूरी है, तुम्हारा इलाज करवाना होगा। शाह लाला को जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो जानता था उसकी जान अबान के लिए कितनी ज़रूरी है। वो अबान का बाप है, अबान उससे मोहब्बत करती है। वो चाहे उसे ज़ोर ज़बरदस्ती उससे अलग कर ले, लेकिन सच कभी नहीं बदल सकता कि वो उसकी बेटी थी। और अब वो अबान को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि एक एहसान लाला ने भी उस पर किया था। उसने आनी की बेटी को अपने पास महफूज रखा है, ना सिर्फ उसे पढ़ा लिखा कर अच्छी तालीम दिलवाई, बल्कि उसे ज़िंदगी में कभी बाप की कमी महसूस ना होने दी। इसलिए उसने लाला को उसके हालात पर छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि नगीन उसे माफ़ कर चुकी थी। नहीं शाह, जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। मैं उस रात तो तुम्हारे घर में आया था, वहाँ अबान को देखकर मैं पुरसकून हो गया। मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो और मेरे बाद उसका बहुत ख्याल रखोगे, लेकिन एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शामिर बिल्कुल बेगुनाह है, उसने आहिस्ता आहिस्ता शाह को सब बताया। ये बात नगीन भी जानती थी, लेकिन उसने खुद से शाह को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो चाहती थी कि लाला उसे ये बात बताए, ताकि शाह उसके मामले में थोड़ा नरम होकर लाला को अबान से मिलने दे। जबकि हकीकत जानने के बाद शाह एक कश्मकश में था। उसके बाप को कसम दी गई, उसके बाप ने दूसरी शादी मजबूरी में की थी, उसकी दूसरी बीवी और बेटी लापता थे, उनसे उनका हक छीना गया था। वो लोग कहाँ थे ये बात लाला भी नहीं जानता था। लाला बस इफ़त के भाइयों को जानता था, जिनके घर में वो शामिर की बारात लेकर गए थे। लाला ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसका बचना मुमकिन न था। लेकिन अबान को ये सब कुछ बताकर उसकी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की टेंशन देने से मना किया था। कोई भी झटका अबान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने अबान को लाला के पास बुलाने का फ़ैसला किया। उसने रेस को फ़ोन करके गनवा को अस्पताल लाने का कहा, जिस पर रेस ने फौरन हामी भरी। अब शाह ये सोच रहा था कि सारी बात आखिर वो अबान से किस तरह शेयर करें, कैसे बताएं कि उसका बाप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। रेस अचानक गनवा को लेने के लिए आया, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी रेस ने इशारों में कुछ बताया, जिसे कुछ समझ तो ना पाई, लेकिन उसका रेस के साथ जाना ज़रूरी है ये वो समझ चुकी थी। वो जाने से पहले आनी से मिलने आई। फिर कब आओगी रिमशा, आनी ने मोहब्बत से पूछा। अरे आनी, आपको पहले भी दो बार बता चुकी हूँ, इनका नाम रिमशा नहीं गनवा है, अबान ने फिर से अपना माथा पीटते हुए बताया। उसका नाम जो भी हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी रिमशा है, आनी ने मोहब्बत से कहा। मैं जल्दी आऊँगी आपसे मिलने के लिए, बस इतना कहकर वो रेस के साथ चली गई। रेस उसे सीधा अस्पताल लेकर आया था। उसने बस इतना ही बताया कि शाह उसे वहाँ बुला रहा है, लेकिन क्यों ये बात गनवा नहीं जानती थी। वो अस्पताल पहुँची तो शाह ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया। इतना तो वो समझ चुका था कि बहुत मजबूत लड़की है, वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। लेकिन फिर भी वो लाला की बेटी थी, गनवा के लिए भी लाला को इस तरह से उसे देखना इतना आसान नहीं था जितना शाह ने समझा था। लाला की हालत देखकर गनवा के हाथ पैर कांप गए, उसका जिस्म पूरी तरह पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसे देखकर आहिस्ता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे गनवा ने फौरन थाम लिया। गनवा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूँ, लाला ने उसे हकीकत बताना चाही, लेकिन गनवा ने उसे रोक दिया। मैं जानती हूँ बाबा, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे बाबा कहते हुए गनवा आँखों में आंसू आ गए। कैसे वो शख्स से एक पल के लिए भी नफरत कर पाई जो उसके लिए उसका हीरो था। उसने कहा था वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बाबा से मोहब्बत करती है, तो कैसे वो उसे अपनी नफरत की वजह बनाए बैठी थी। उसके हाथ पर अपना सर रख कर वो फूट फूट कर रोई। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूँगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, उठें चलें हमारे साथ,
गनमा ने पहले की तरह उस पर अपना हक जताते हुए कहा। शाह और रेस दरवाजे पर खड़े उसे रोते हुए देख रहे थे। लाला ने उन्हें अपने पास बुलाया, वो दोनों उसके करीब आ गए। रेस, तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। ये थोड़ी सी ज़िद्दी है, थोड़ी पागल है, गुस्सा जल्दी आता है इसे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम हैंडल कर लोगे, उसने गनमा का हाथ रेस के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर दूसरे हाथ से शाह का हाथ थामा। मेरी अबान बहुत मासूम है शाह, उसे दुनियादारी नहीं आती। मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, मगर उसका बहुत ख्याल रखना। मुझे यकीन है कि वो ज़िंदगी में तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। मैंने नकीन से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिए। मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ। लाला ने अपने दोनों हाथ जोड़े जब शाह ने उसका हाथ पकड़ के नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं ऊपर जाके आमना से भी माफ़ी मांगूंगा, मुझे यकीन है कि वो भी मुझे माफ़ कर देगी, मुझे माफ़। अभी लाला बोल ही रहा था जब अचानक शाह के हाथ से उसका हाथ छूट गया। बाबा, अब आप क्या कह रहे थे? गनमा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हिलाना चाहा, लेकिन रेस ने उसे थाम लिया। उसने बेयकीनी से पहले शाह को फिर रेस की तरफ देखा, जब रेस ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं बाबा, हमें छोड़कर नहीं जा सकते, डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ डॉक्टर को, अभी तो वो अबान से भी नहीं मिले। गनमा ने तेज़ी से बाहर की तरफ कदम उठाए। डॉक्टर, मेरे बाबा को देखें, वो चिल्लाते हुए बोली जब रेस ने उसे थाम लिया। डॉक्टर तेज़ी से अंदर आया। बाबा प्लीज़ आंखें खोले, वो एक बार फिर से लाला की तरफ आई। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, डॉक्टर ने चंद ही लफ्ज़ों में गनमा की ज़िंदगी हिला के रख दी। वो बेयकीनी से कभी डॉक्टर को देखती, कभी शाह को, कभी रेस को, तो कभी अपने बाप की लाश को। लेकिन हकीकत बदलना इतना आसान ना था। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठी वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका हीरो, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान, दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस वक्त ना तो वो उसकी माँ का गुनहगार था और ना ही कोई कातिल, वो सिर्फ गनमा का बाप था। गनमा तो फिर उसकी पाली हुई औलाद थी। शाह को फिक्र अबान की थी। गनमा की हालत देखकर वो अबान का सोच कर रह गया। शाम के तकरीबन 4:30 बजे इरादिया, हमज़ा और मिशी अबान से मिलने आए। हमज़ा ने शाह को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शाह उसे बताए बगैर कभी अपना फ़ोन बंद नहीं करता था, और अगर ऐसा हो भी जाए तो शाह उसे किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्म ज़रूर करता था। लेकिन आज सुबह से ही शाह का फ़ोन ऑफ जा रहा था। वो ऑफिस भी नहीं आया था, क्योंकि उसने कहा था कि आज का सारा दिन वो अबान और आनी के साथ गुजारना चाहता है, और शाम में उसने उसको और रातिया को आनी से मिलने के लिए बुलाया। शाह की गाड़ी बाहर न देखकर वो ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि शाह घर पर नहीं है, लेकिन उसके घर में निगाह बेगम को देखकर वो सही मायनों में परेशान हो चुका था। ये औरत उसके घर पे क्या कर रही थी? हमज़ा का इरादा उसे सीधे सीधे बात करने का था, लेकिन जब उसका ध्यान अबान पर गया, जो उसे ना सिर्फ आनी कहकर पुकार रही थी बल्कि उसके गले में बाहें डाले बड़ी मोहब्बत से बातें कर रही थी। तो क्या ये औरत शाह की आनी थी? उसे देखकर इरादिया ने पहला जुमला यही कहा। हमज़ा वापस चले यहाँ से। इरादिया के हाथ पैर कांप रहे थे, कहीं वो औरत दोबारा से उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करने आई हो। अरे इरादिया, आप ही भी आ गई। अभी इरादिया हमज़ा से बात कर रही थी जब अबान ने उसे देख लिया। उन्हें मजबूरन आके आना पड़ा। हमज़ा सर्द नज़रों से न जाने कितनी देर नगीन को घूरता रहा, जिसको अबान बड़े मोहब्बत से इरादिया से मिलवाने की कोशिश कर रही थी। शाह ने अबान को बस इतना ही बताया था कि उसकी आनी कहीं खो गई थी, जो बहुत अरसे के बाद वापस मिली है। इन दोनों को यहाँ देखकर हैरान तो नगीन भी हुई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि शाह के वलीमे में ये दोनों स्पेशल गेस्ट थे। वो समझ चुकी थी कि ये शाह का बेस्ट फ्रेंड हमज़ा है, जिसका जिक्र उसने ऑफिस में भी किया था। अब अगर शाह को ये पता चलता कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड की बीवी के साथ इतना बुरा करने की कोशिश की है, तो शायद वो उससे नाराज़ होता। सब लोग ही चुप थे सवाए अबान और मिशी के। अबान जो मुसलसल मिशी के साथ खेलती उसे हंसा रही थी। उन दोनों की हंसी की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी। अबान ने नोट किया कि वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, तो अबान ने ही बातें शुरू कर दी। वो तीनों ही अबान की सारी बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन उन लोगों ने एक भी बात एक दूसरे से नहीं की थी। ये बात अबान को बहुत खटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे हैं। तभी शाह थके थके कदम उठाता घर में दाखिल हुआ। अच्छा हुआ शाह आप आ गए, उसके आते ही अबान ने सुख का सांस लिया। शाह जो इस वक्त तन्हाई चाहता था, मजबूरन उनके पास आकर बैठ गया और अबान को अपने लिए पानी लाने को कहा।
लाला मर चुका है। उसके जाते शाह ने धमाका किया। उस वक्त उसे यह याद नहीं था कि उसने अभी तक आनी को हमजा से नहीं मिलाया। क्या तुम्हें यह बात अबान को बतानी चाहिए, नगील ने कहा। नहीं यानी अबान बीमार है, उसका दिल कमज़ोर है, कोई भी झटका उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल भी टेंशन देने से मना किया है। शाह ने किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जनाजे का क्या हुआ, तुमने करवाया, हमजा ने पूछा। तभी अबान उसके लिए पानी लेकर आ गई। कौन फौत हो गया है शाह, किसके जनाजे की बात हो रही है, पानी ने उसके साथ बैठते हुए पूछा। मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त के फादर की डेथ हो गई है, शाह ने नज़रें चुराते हुए कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा जाने किस हाल में होगा, अल्लाह उसे सब्र दे, अबान के लहजे की नमी को वो साफ महसूस कर रहा था। किसी ऐसे इंसान के बारे में जानकर जिसको वो जानती भी नहीं थी उसको इतना बुरा लग रहा था, तो अपने बाप का सुनकर उस पर क्या गुजरेगी, ये शाह के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान था। सब्र करो मेरी बच्ची, तू अपने बाबा के लिए दुआ करके अल्लाह उनकी मगफरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, तू ऐसे रोती रहेगी तो तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, रेस बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझा कर अपने साथ लाया था, वरना वो तो अपने बाप की कब्र से उठना नहीं चाहती थी। अम्मा ने उसे बहुत समझाया, वो जब से आई थी बस रोए जा रही थी, एक पल के लिए भी उसकी आंखों से आंसू खुशक नहीं हुए थे। अम्मा उसे अपने सीने से लगाए न जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि रेस अपने कमरे में बैठा उसके रोने की आवाज़ सुन रहा था। वो खुद भी हमेशा से अपने बाप के लम्स के लिए तरसा था, जिसने उसे देखने तक से इनकार कर दिया। उसका बाप जो उसकी पैदाइश पर घर छोड़कर भाग गया क्योंकि वो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता था। फिर एक दिन जब वो 7 साल का था उसकी मौत की खबर आई। उसने अपने बाप को सिर्फ तस्वीरों की हद तक देखा था और उन्हें तस्वीरों से उसने मोहब्बत की। जब वो बहुत दुखी होता तो अक्सर आसिफ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रोता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके बाप इस काबिल ही नहीं कि उसको रोया जाए। उसने रोना तो छोड़ दिया लेकिन बाप की कमी को महसूस करता रहा। एक ऐसा शख्स जो गुनहगार था, जिसने मरते दम तक गुनाह ना छोड़ा, उस शख्स के लिए वो इतना तड़पा था तो गनवा का बाप तो सब कुछ ठीक करके गया था, उसे वो कैसे ना रोने देता। हमजा और इरादिया के जाने के बाद वो शाह नगीन के कमरे में आया। उसने खुद भी इरादिया और हमजा को चुप महसूस किया था। इरादिया खौफजदा नज़रों से नगीन की तरफ देख रही थी, न जाने उसके दिल में ऐसा क्या डर था, शाह को देखकर कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने नगीन से बात करने का फैसला किया। जबकि वो नगीन को ये भी बताना चाहता था कि वो कुछ दिन के लिए लाहौर जाने वाला है अपनी माँ और बहन का पता करने के लिए। शाह ने उससे अंदर आकर पूछा तो नगीन ने इससे कुछ भी नहीं छुपाया, उसने सारी हकीकत शाह को बता दी। वो ये तो जानता था कि इरादिया जहाँ से भी आई है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन उसकी वजह उसकी आनी होगी, ये जानकर उसे बहुत दुख लगा। लेकिन अब जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए फ़िलहाल उसने अबान को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शाह जब अबान को ये बात पता चलेगी तो हो सकता है वो तुमसे बदज़न हो जाए, नगीन ने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन अबान की हालत का सोचकर उसने अपना फ़ैसला ना बदला। वो जानता था कि उसके डर की वजह से वो कभी लाला का नाम उसके सामने नहीं लेगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हकीकत उससे छुपा भी नहीं सकता था। लेकिन फ़िलहाल वो उसे बताने का भी कोई इरादा नहीं रखता था। थोड़ी देर नगीन के पास बैठकर वो अपने कमरे में चला गया, जहाँ आज पहली बार अबान उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कमरे में कदम रखा तो अबान दूसरी तरफ मुंह मोड़े बैठी थी, शायद नाराज़गी का इजहार कर रही थी। पहले तो उसने उससे बात न करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी वो उसकी नाराज़गी की वजह ज़रूर जानना चाहता था, आखिर कितने हक से वो नाराज़ हुई थी। यही तो वो चाहता था कि वो उससे अपने दिल की बात कहे, वो रूठे या उसे मनाए, अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को अपने हक से मांगे। क्या बात है बानी, तुम्हारा मूड ऑफ है, शाह का अपना मूड भी कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी उससे पूछने के लिए उसके करीब आ बैठा। आप सुबह बग़ैर मुझसे मिले चले गए, उसने ये नहीं कहा कि उसे माथे पर किस किए बग़ैर चला गया। नहीं बानी, मैं तुमसे मिलकर तो गया था, शाह ने अपने जहन पर जोर डालते हुए कहा, और उसे यकीन था कि वो उसे मिलकर गया है, सुबह वो रास्ते में ही तो उससे मिली थी। नहीं, आप मुझसे मिले नहीं, आपने मुझे अल्लाफिज़ नहीं कहा, अबान ने मासूमियत से कहा। सॉरी, आज के बाद पक्का कह के जाऊँगा, अब नाराज़गी ख़त्म करो और लेट जाओ, शाह ने उसे ऐसे ही बैठे देखकर कहा। नहीं, सिर्फ अल्लाफिज़ नहीं, वो अबान कहते हुए रुकी। और क्या, शाह ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, सो जाएं, अबान फ़ौरन लेट गई और फिर भरपूर सोने की एक्टिंग करने लगी।
जब उसे अपने माथे पर नरम और गर्म लम्स महसूस हुआ। तुम्हें पता है आज मेरा सारा दिन कितना बुरा दिन गुजरा है? शाह ने धीरे से उसके कान में सरगोशी की। तो आप मुझे अच्छे अलाफिस बोल के जाते तो अच्छा गुजरता ना, अबान के लबों से बेसाख्ता बात फिसली। फिर उसने अपने लब दांतों में दबाए। खैर अब क्या हो सकता था, बात तो निकल गई। शायद सारे दिन में पहली बार मुस्कुराया था। ये लड़की उसके लिए कितनी अजीज थी इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था। शाह ने खींच कर उसे अपने सीने से लगाया। आप गनवा अभी को गले लगा कर मिले, अबान ने धीरे से कहा। इस बार शाह की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो उसकी एक हर बात नोट करने लगी थी और जेलस भी होने लगी थी। आज शाह का दिल शिद्दत से चाहा कि अब हकीकत बता दे और नई जिंदगी शुरू करे। अबान, मैं इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। सो जाओ अबान, सुबह मुझे लाहौर के लिए निकलना है। अपने दिल का हाल सुनाते हुए उसने बात ख़त्म कर दी, लेकिन उसका जाने का सुनकर अबान को अच्छा नहीं लगा। आप क्यों जा रहे हैं, मत जाइए ना, उसके सीने से सर उठाकर बोली। जाना ज़रूरी है बानी, जब तक मैं आता हूँ तुम मेरा इंतज़ार करना और फिर जब वापस आ जाऊँ तो मुझे अपने दिल का हाल सुनाना और मैं तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाऊँगा, उसका सर एक बार फिर से अपने सीने में रखते हुए कहा। जबकि उसके जाने का सोचकर न जाने क्यों अबान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शाह के जाने का सुनकर अबान को सारी रात एक पल के लिए भी नींद न आई। न जाने वो क्यों इतनी बेचैन थी। शाह का इस तरह उससे जाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पा रही थी क्योंकि शाह ने उसे रात को ही कह दिया था कि उसे रोकने की कोशिश ना करे। सुबह अजानों के बाद उसने उठकर नमाज अदा की और नीचे आ गई। उसे पता था आनी जाग चुकी होंगी। क्या बात है अबान बेटा, आज दोबारा सोई नहीं? नमाज अदा करके नगीन ने उसे अपने पास बुलाते हुए पूछा। शाह जा रहे हैं, अबान ने बस इतना ही कहा। उसके लहजे की उदासी को नगीन महसूस कर चुकी थी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, वो सिर्फ 3-4 रोज़ के लिए जा रहा है, कुछ ही दिन में लौट आएगा, नगीन ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अगर शाह जाएंगे तो लौट कर वापस नहीं आएंगे। अबान को कल शाह की बात सुनकर अजीब और गरीब वहम सताने लगे। नगीन को बताकर वो अपने दिल का बोझ कम करना चाहती थी। तुम भी ना ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती हो, लगता है शादी के बाद शाह तुमसे दूर नहीं हुआ। ये बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, कभी एक जगह जाते हैं तो कभी दूसरी जगह। और आर्मी वाले आज 20 साल बाद नगीन ने अहमद का नाम लिया था क्योंकि उस भयानक रात के बाद उसने अपने आप को अहमद का नाम लेने के भी काबिल नहीं समझा था। आर्मी वाले, अबान ने कैसे उसकी बात पकड़ी। आर्मी वाले जाते हैं तो वापस नहीं आते, नगीन की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। कौन था आर्मी में आनी, अबान ने तजस्सुस से पूछा। मेरे शोहर, नगीन ने बस इतना ही कहा। फिर तो आपके बेबीज भी होंगे, नगीन इतनी हसीन थी कि उसे देखकर उसकी उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल था। हाँ है ना बेबी, तुम्हारा शोहर, नगीन ने जैसे उसकी एक्साइटमेंट पर पानी फेरा था। इतना बड़ा बेबी, अबान का मुँह हैरत से खुल गया। मेरे लिए तो वह आज भी मेरा बच्चा है, नगीन ने हंसते हुए उसकी हैरत को देखा। लेकिन बेबी छोटे छोटे से होते हैं, जैसे इरादिया आप ही की मिशी है, अबान ने जैसे उसे बताना चाहा कि शाह कोई बेबी नहीं है। हा हा हा, मुझे पता है अबान, बेबी छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे, उन्होंने उसका गाल खींचते हुए कहा। मैं कोई बेबी थोड़ी हूँ, अबान को अपना नया खिताब कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, तुम कोई बेबी थोड़ी हो, तुम तो शाह की बीवी हो, मेरी बहू जो अपने दिल में इतनी सारी उलझने लेकर अपनी सास के पास आई है, तो उसकी सास उसकी मदद ज़रूर करेगी। तुम चाहती हो ना शाह जल्दी से वापस आ जाए, उन्होंने मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा, जिस पर उसने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हाँ में हिलाई। तो तुम उसे कोई उम्मीद दे दो ताकि जाते ही वो वापस आने की तैयारी में लग जाए। उम्मीद, अबान ने हैरत से पूछा। हाँ उम्मीद, तुम उसे कोई उम्मीद दो जिसे अगर वो लेकर जाए तो उसका वहाँ दिल ना लगे और वो फौरन वापस आना चाहे। मगर ऐसा क्या हो सकता है, अबान ने सोचते हुए कहा। सोचो, हो सकता है तुम्हें पता हो, नगीन ने उसे सोचने के लिए छोड़कर खुद उठकर किचन में आ गई क्योंकि उसका काम सिर्फ अबान के दिल में शाह के लिए छुपी हुई मोहब्बत को सामने लाना था। इरादिया, मुझे शाह ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही ना, उसने इरादिया को समझाते हुए कहा, जबकि उसे नगीन का उस घर में सोच कर भी इरादिया उसे वहाँ नहीं जाने दे रही थी।
नहीं हमजा, आप उस औरत को नहीं जानते, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब करने के लिए आई है, वो मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। इरादिया, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए, हमजा ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती और ना ही मुझे तुमसे बदजन कर सकती है, सवाए अल्लाह की ज़ात के कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, ये बात तो समझ लो। उसके माथे पर बोसा देते हुए मिशी का ख्याल रखने का कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि इरादिया के लिए नगीन पर यकीन करना नामुमकिन था। वो कमरे में आई तो शाह अभी तक सो रहा था। उसने राहत बाबा को शाह का सामान पैक करने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये काम उसका है और वो ही करेगी। ना जाने क्यों आज उसका दिल कर रहा था कि शाह के सारे काम अपने हाथ से करे। उसने शाह के 2-4 सूट उसके बैग में पैक किए, ये साथ उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी जो वो डेली इस्तेमाल करता था। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अभी तक वो शाह का सामान देख रही थी कि पीछे से शाह उसके साथ खड़ा पूछ रहा था। आप जाके, मैं आपका सामान पैक कर रही थी, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम क्यों कर रही हो ये पूछ रहा हूँ। राहत बाबा को कह दो वो कर देंगे। वो क्यों करेंगे? आप मेरे शोहर हैं या उनके? आपके सारे काम मेरी जिम्मेदारी हैं, उनकी नहीं। ये बात आप अपने छोटे से दिमाग में बिठा लें, बल्कि नहीं, छोटा तो मेरा है, अपने बड़े से दिमाग में बिठा लें। अबान ने उसी की स्टाइल में उसी की लाइन बोलते हुए कहा, लेकिन जुमले में रतो बदल करके। तुम उदास क्यों हो? मुस्कुराते हुए पूछा। आप जा रहे हैं ना, इसलिए, अबान ने सच्चाई से कहा, जबकि उसकी ये बात शाह का दिल धड़का गई। मेरे जाने से उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं डांटेगा, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, 4 दिन तुम आज़ाद हो। शाह ने मोहब्बत से उसके भरे भरे सुर्ख काल खींचे। मुझे नहीं आज़ाद होना शाह, प्लीज़ आप मत जाएं। अचानक अबान ने रोते हुए उसके सीने पर अपना सर रखा। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि शाह को लगा कि आज उसका जाना नामुमकिन होगा। अबान, क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई पहली बार तो नहीं जा रहा। पर तुम इस तरह से उदास हो जाओगी तो मैं कैसे जाऊंगा? इधर देखो मेरी तरफ क्यों रो रही हो तुम? उसका रोना शाह की समझ से बाहर था। जब अबान उससे अलग हुई और बेड की साइड दराज से कागज़ निकालकर उसके हाथ में रखा, ये मैंने आपके लिए लेटर लिखा है, लेकिन अभी मत पढ़िएगा, यहाँ से जाने के बाद पढ़िएगा। इस कागज़ के बारे में शाह ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस हैरानों परेशान नज़रों से उसे देखता रहा। अब अबान उससे क्या कहना चाहती थी? उसे मायूस छोड़कर शाह चला गया। खनवा की तरफ से मिलने वाली खुशखबरी ने रेस को पांव जमीन पर ना रखने दिए। दिल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाप बनने जा रहा है, जबकि वो उसका पागलपन देखकर हैरान में परेशान थी। क्या हो गया रेस? आप दुनिया के अनोखे इंसान नहीं हैं जो बाप बनने जा रहे हैं। खनवा ने उसे होश की दुनिया में लाना चाहा। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप बनूंगा, मैं कभी अपने बाप की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रेस को खुशी के साथ साथ अपने मासी का दुख याद आया तो गनवा खामोश हो गई। आपको मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अब जल्दी चलो घर चलते हैं और अम्मा को बताते हैं, अम्मा भी खुशी से भंगड़े डालेंगी, रेस ने अम्मा की सिचुएशन को सोचते हुए कहा। गनवा की तबीयत कुछ ख़राब थी तो अम्मा के कहने पर रेस उसे अस्पताल ले आया और अब किसी पर खुशखबरी के साथ जा रहा था। शाह सफ़र के दौरान मुसलसल सोचता रहा था इस लेटर में क्या होगा, लेकिन ये एक अजीब सा डर था जो उसे ये लेटर खुलने नहीं दे रहा था। अबान की जहानत के मुताबिक शायद ही उसकी कोई फरमाइश थी या शायद वो इस रिश्ते को कबूल करके कुछ शाह अपनी सोचों में उलझा खत खोल कर नहीं देख पा रहा था। ये भी तो हो सकता है कि अबान इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहे, अगर ऐसा था भी तो अबान कभी शाह के डर से उसे ये खत नहीं देती। फिर क्या हो सकता है इस कागज़ में? उसका इरादा सबसे पहले अकबर शाह की हवेली में जाने का था, आखिर वहीं से उसे अपनी माँ और बहन के बारे में पता चलना था। अबान नगीन को अपने साथ लेकर ज़बरदस्ती गनवा के घर आई। नगीन नहीं जानती थी कि उसे कहाँ लेके जा रही है, जबकि सुबह से नगीन और अबान दोनों ही उदास बैठी थी। आज शाह के जाने से घर में अजीब सी उदासी छाई थी। वैसे तो शाह रोज़ ही अपने काम पर जाता था, लेकिन आज उसके दूर जाने की वजह से अबान का दिल उदास था, जिसकी वजह से नगीन को अपने साथ गनवा के घर ले आई। और जब यहाँ आकर उसे ये पता चला कि मैडम खाला बनने जा रही हैं तो उसके पैर ज़मीन पर ना रुके, क्योंकि दूसरी तरफ उसने मिशी के मुँह से जब खाला सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इरादिया ने साफ कह दिया कि वो मामी है खाला नहीं। और उसी दिन अबान ने फैसला कर लिया कि अब अगर कोई उसको खाला कहकर पुकारेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गनवा का बच्चा होगा। और अबान की दुआएं रंग ले आईं।
अबान ने तो वो भंगड़े डाले जो रेस भी ना डाल पाया और बाद में रेस भी उसके साथ मिलकर नाचने लगा, जबकि नगीन अपनी बेटी की खुशियां देखकर उसे अपने सीने से लगाए हजारों दुआएं देने लगी। शाह ने यही सोचा था जब तक उसे उसकी माँ और बहन ना मिल जाए वो अबान का लेटर नहीं खोलेगा, लेकिन तजस्सुस के मारे वो रुक भी ना पाया। अपने आप को काबू किए वो हवेली पहुंचा। ये वही हवेली थी जहां से उसकी माँ को धिक्के मार के निकाला गया था। हवेली से बाहरी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह शामीर शाह का बेटा है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल शामीर जैसी थी, लेकिन हवेली के अंदर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आखिर उनके हाथ से हवेली निकल रही थी। अगर इस वक्त हवेली का कोई वारिस सामने आता है तो ये हवेली फिर उसी वारिस की थी, ना कि उन लोगों की जो हवेली के अंदर कब्जा करके बैठे थे। अकबर शाह के मामू के बेटों ने इस हवेली पर कब्जा कर रखा था और अब उन्हें का ख़ानदान इस हवेली में रहता था, जबकि ना तो शाह को इस हवेली की ज़रूरत थी और ना ही वो अपने आप को इस हवेली का वारिस मानता था। उसने साफ लफ्ज़ों में यही कहा कि उसे हवेली से कोई सरोकार नहीं, वो बस ये जानना चाहता है कि उसकी माँ और उसकी बहन कहाँ हैं। जब उन लोगों को ये पता चला कि शाह हवेली वापस नहीं लेना चाहता, उसे हवेली से कोई सरोकार नहीं, तो उन लोगों ने भी उसकी मदद करना चाही और उसे इफ़त के भाइयों का एड्रेस दे दिया। इफ़त का घर दूर होने की वजह से शाह ने सुबह जाने का फ़ैसला किया और अपनी रहाइश की जगह एक होटल में आ गया। उसे यकीन था कि वो अपनी माँ और बहन के बहुत करीब है। अभी वो बेड पर लेटा ही था कि उसे अबान की याद सताने लगी। 2.5 माह में उसे अबान के बगैर रहने की ज़रा आदत नहीं रही थी। जब अबान की याद हद से ज़्यादा आने लगी तो उसने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन फिर फ़ोन रख कर वो ख़त उठाया जो अबान ने यहाँ आने से पहले उसे दिया था। ख़त के बाहर एक ही लफ्ज़ लिखा था, उम्मीद। शाह का तजस्सुस और बढ़ा, उसने जल्दी से लेटर खोल दिया। शाह, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं, इसीलिए मैंने आनी से पूछा कि वो आपको कैसे रोकूं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि आप जल्दी वापस आ जाएं तो मैं जाने से पहले आपको कोई उम्मीद दूँ। शाह, मैं नहीं जानती उम्मीद क्या है, आप मुझे बताएं कि उम्मीद क्या है। अगर मैं कहूं कि मुझे इन 2.5 माह में आपकी आदत हो चुकी है तो क्या ये उम्मीद है कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे? शाह, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी तो क्या ये आपके लिए उम्मीद होगी? अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो मैं कैसे किसी की तरह पास हो सकूँगी तो क्या ये उम्मीद होगी? अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी या ये कहूँ कि मुझे आपके बगैर नहीं रहना, प्लीज़ जल्दी आप वापस आ जाएँ। आपकी डांट खाए बगैर कुछ भी उल्टा सीधा करने का मज़ा नहीं आता। आपको तंग किए बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जब मेरे पास आते हैं मुझे अच्छा लगता है। आपको ये बताना कि दोस्ती में किस करना अलाउड नहीं है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मेरी बात ना मानकर मुझे किस करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। शाह, तो क्या ये उम्मीद है? मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, इन बातों को उम्मीद समझकर प्लीज़ जल्दी वापस आ जाइएगा। शायद ये सारी बातें आपके लिए उम्मीद हों। शाह नहीं जानता था कि ये ख़त वो कितनी बार पढ़ चुका है। उम्मीद, बेवकूफ़ लड़की उम्मीद की जगह मोहब्बत लिख देती तो मैं उड़ कर आता। शाह ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अबान के नंबर पर कॉल करने लगा। अभी एक ही बेल हुई थी कि अबान ने फ़ोन उठा लिया, जैसे वो रात के 2 बजे उसी के फ़ोन के इंतज़ार में बैठी हो। आपने सारा दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? रूठा अंदाज में पूछा गया। शाह बेसाख्ता मुस्कराया, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। अगर ये सारी रात जाग रहा था तो सो वो भी नहीं रही थी।